A bookworm loves to buy books and I am no exception. In today's video, I bring to you my first book haul of 2022. Stay tuned. Hello everyone, I am Shalu. Welcome to my channel where I post videos about books. Today's video is a book haul video. इस साल मैंने कोई बहुत ज़्यादा किताबें नहीं खरीदी क्योंकि आजकल मैं Kindle पर ही ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ किताबें ऐसी थी जो मुझे काफ़ी पसंद थी और जिनको मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाह रही थी, तो ऐसी कुछ किताबें मैंने खरीदी हैं और कुछ बुक्स हैं जो मुझे ऑथर्स और पब्लिशर्स की तरफ से आई हैं। तो चलिए आपके साथ वो बुक्स शेयर करती हूँ। द फर्स्ट बुक इज ड्यून बाय फ्रैंक हर्बर्ट। दिस बुक हैज रिसेंटली बीन अडेप्टेड इनटू अ मूवी। जब से मूवी का ट्रेलर देखा तभी से इस बुक को पढ़ना चाह रही थी। आई प्रेफर टू रीड द बुक फर्स्ट बिफोर वॉचिंग इट्स मूवी अडेप्टेशन। नॉर्मली मैं साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, बट इस बुक के बारे में इतना सुना दैट आई वॉज रियली इंट्रूड। अकॉर्डिंग टू द ब्लर्ब, द बुक इज सेट ऑन द डेजर्ट प्लैनेट अराकीस। इट इज द स्टोरी ऑफ द बॉय पॉल एट्रिडीज एंड ऑफ अ ग्रेट फैमिलीज एम्बिशन टू ब्रिंग टू फ्रूशन ह्यूमन काइंड्स मोस्ट एंशियंट एंड अनअटेनेबल ड्रीम। सीम्स क्वाइट इंट्रूगिंग। इट्स क्वाइट अ थिक बुक, almost of 900 pages, so it will take quite some time to finish the book. Let's see. The next book is The Shining by Stephen King. इस बुक को मैं तब से पढ़ना चाह रही हूँ जब से मैंने फ्रेंड्स का एपिसोड देखा था जिसमें जोई एंड रेचल अपनी फेवरेट बुक शेयर करते हैं। सो रेचल शेयर्स हर फेवरेट बुक लिटिल वुमन एंड जोई शेयर्स हिज फेवरेट बुक द शाइनिंग। आफ्टर वॉचिंग दैट एपिसोड आई रेड लिटिल वुमन एंड आई रियली लव्ड इट। लेकिन शाइनिंग को मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि हॉरर जॉनर इज नॉट रियली माई थिंग। इनफैक्ट मैंने स्टीफन किंग की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है क्योंकि हॉरर, आई डोंट नो, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ रीडिंग हॉरर। बट स्टीफन किंग को पढ़ना चाह रही थी काफी टाइम से, तो ये बुक मंगवा तो ली है और सुना काफी है कि इट इज फुल ऑफ हॉरर्स, काफी स्केरी बुक है। तो पता नहीं मैं इसको पढ़ भी पाऊंगी या नहीं, बट ट्राई जरूर करूंगी। द नेक्स्ट बुक इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। The tagline of the book says timeless lessons on wealth, greed and happiness. काफी famous book है, काफी तारीफ सुनी है इस book के बारे में, लेकिन अभी तक मैंने इस book को पढ़ा नहीं था। So I thought of getting a physical copy because this is a book that I would like to keep on my bookshelf. According to the blurb in this book, the author shares 19 short stories exploring the strange ways people think about money and teaches you how to make better sense of one of life's most important matters. तो ये बुक मेरे टीबीआर में काफी टाइम से थी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड इट। द नेक्स्ट बुक इज लाइट फ्रॉम मेनी लैंप्स, एडिटेड एंड विद कमेंट्री बाय लिलियन आइशलर वॉटसन। ये बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रिकमेंडेशंस में से एक है, तो इसे काफी टाइम से पढ़ना चाह रही थी। बुक इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रीफ स्टिम्युलेटिंग बायोग्राफीज एज वेल देयर आर सिलेक्शंस फ्रॉम जॉन बरोज, एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विलियम कलन ब्रायंट, मैरी पिकफोर्ड, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, विलियम शेक्सपियर, हिपोक्रेट्स, सेंट पॉल, कन्फ्यूशियस, हेनरी डेविड थोरियो एंड मैनी अदर्स। तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है। थोड़े बहुत बीच में से पेजेस मैंने इसके पढ़े भी हैं एंड द कोटेशंस आर रियली वर्थ अ रीड। तो पूरी बुक पढ़ के आपसे एक बार शेयर जरूर करूंगी इसका रिव्यू। द नेक्स्ट बुक इज द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम बाय रॉबर्ट ईगर, द सीईओ ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। बुक की टैगलाइन है लेसन इन क्रिएटिव लीडरशिप फ्रॉम 15 ईयर्स एज सीईओ ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी। तो एक ऐसी बुक है जिससे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, लीडरशिप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। And I am really curious to read about Walt Disney as a company. तो काफी interesting book होने वाली है। I am hoping this book is as good as Shoe Dog by Phil Knight, which I really enjoyed. Let's hope this book lives up to my expectations. तो ये तो थी कुछ किताबें जो मैंने अपने लिए purchase की थी। Now I am going to share some books that were sent to me by authors and publications. So पहली किताब है The Vault of Vishnu by Ashwin Sanghi. ये बुक मुझे सोनाली बेंद्रे बुक क्लब की तरफ से आई थी एज अ गिव अवे प्राइज। मैंने अश्विन सांघी की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, रोजाबल लाइन, चाणक्यस चांद, कृष्णा की। कुछ कुछ उनका राइटिंग स्टाइल मुझे डैन ब्राउन की तरह लगता है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू इमिटेट द राइटिंग स्टाइल ऑफ डैन ब्राउन, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल होते हुए मुझे नजर नहीं आए और इसलिए मैंने उसके बाद काफ़ी टाइम से उनकी कोई बुक पढ़ी नहीं।
According to the book blurb, a Pallava prince travels to Cambodia to be crowned king, carrying with him secrets that will be the cause of great wars many centuries later. A Buddhist monk in ancient China treks south to India, searching for the missing pieces of a puzzle that could make his emperor all-powerful. A pre-Neolithic tribe fights to preserve their sacred knowledge, oblivious to the war drums on the Indochina border. Meanwhile, far away in the temple town of Kanchipuram, a reclusive scientist deciphers ancient texts even as a team of secret agents shadows his every move. Caught in the storm is a young investigator with a complex past of her own, who must race against time to maintain the balance of power in the new world. So, blurb to kafi interesting lag raha hai. Let's see, kaisi rehti hai book. The next book is The Burning by Megha Majumdar. Ye book bhi mujhe Sonali Bendre Book Club ki taraf se aayi thi as a giveaway prize. Ye book maine pehle padhi hui aur mujhe book kafi pasand aayi thi. हमारे देश के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और कम्युनल डिसहार्मनी पे बात की गई है. आपके जो राइट ऑफ स्पीच है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लग गई है, कुछ भी बोलने की आज़ादी जो अब नहीं रह गई है, उसके बारे में इस बुक में बात की गई है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है विच आई हाईली रिकमेंड. इस बुक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू भी किया हुआ है. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट. द नेक्स्ट बुक इज अलोन इन द क्राउड बाय समीर पारेख एंड कामना चिपड़. ये बुक मुझे ऑथर ने भेजी थी रिव्यू पर्पस के लिए. द टैगलाइन ऑफ द बुक सेज ओवरकमिंग लोनलीनेस ऑफ अर्बन लिविंग. द टैगलाइन ऑफ द बुक एक्सप्लेन्स व्हाट द बुक इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. लोनलीनेस इज समथिंग दैट वी हैव ऑल स्ट्रगल्ड एट वन पॉइंट ऑर द अदर. सो आई एम होपिंग टू गेट सम न्यू इनसाइट्स फ्रॉम दिस बुक. नेक्स्ट बुक इज सीतायन बाय चित्रा बनर्जी देवाकरणी. ये बुक मुझे मंजुल पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आई थी एज अ गिव अवे प्राइज. This book is actually the Hindi translation of Forest of Enchantments. मैंने अभी तक Forest of Enchantments नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी हुई Palace of Illusions पढ़ी है, जिसको लेके मेरी कुछ mixed opinions हैं. I want to read Forest of Enchantments, but I would prefer to read its original English version. तो देखते हैं कि इस book का मैं क्या करती हूँ. Perhaps I would gift it to a friend, or maybe I will use it as a giveaway prize. The next book is Immunity Plus. Revitalize in 28 Days by Dr. Mickey Mehta and Sanjeev Kapoor. ये बुक मुझे हार्पर कॉलिंस की तरफ से आई थी एज ए गिव अवे प्राइज. काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं इसमें. तो बुक के ब्लॉग में लिखा है बेटर इम्यूनिटी इन 28 डेज विद डॉक्टर मिकी मेहता प्लस डेली मील प्लान फ्रॉम शेफ संजीव कपूर. तो एक कलेक्टर्स एडिशन लग रहा है और प्रॉबेबली इसमें से कुछ रेसिपीज जो है मैं ट्राई करके भी देखूंगी. Thank you Harper Collins for sending me this beautiful book. Next book is a review copy which was sent to me again by Harper Collins, and the book is Dream Factory by Sujata. It is translated from the Tamil by Madhavan Narayanan. So according to the book blurb, it is set in Kollywood or the Tamil film industry in the 1980s. It is a fictional chronicle of the rising and falling fortunes of various players in show business. Blurb to काफी interesting लग रहा है, बाकी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किताब कैसी है. And the last two books are again review copies which were sent to me by the author Om Prakash Java. The first book is Sanctity of Life and the other book is Tears and Smiles of Human Soul. Short story collection hai dono kitabe. Doni kitabon ke review maine apne channel par kiye hue hain. In case you want to check the reviews, I will leave the link in the description box. To ye tha 2022 ka mera pehla book haul. Have you read any of these books? If yes, then do share your thoughts in the comment section. Also share with me which books you have bought recently. And if you have enjoyed this video, then please like, comment and share. And if you want to see more such bookish videos, then please subscribe to my channel. And do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.